हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन इंजीनियरिंग, जहां बात होती है इंजीनियरिंग की। तो मेरा नाम है श्रेयांश जायसवाल और आ गया हूं मैं एक और वीडियो लेकर। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो, जिसमें कि सिविल इंजीनियर को सबसे पहले करना पड़ेगा यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन की वीडियो नंबर 2 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है। अगर आप सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं और आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, तो इसको पूरा देख ही लेना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो समझते हैं सबसे पहले इस पोर्शन को। तो डेका, डेका अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो 10 बोलेंगे। हेक्टो लिखा हुआ आ जाए तो 10^2। किलो लिखा हुआ आ जाए तो 10^3। मेगा को बोलते हैं 10^6। गीगा को बोलते हैं 10^9। और टेरा को बोलते हैं 10^12। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको याद करना आपको पड़ेगा। ये चीज अगर आपने याद कर ली तो आपको कोई सा भी यूनिट कन्वर्जन में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे सिंबल्स भी देख रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किलो की न्यूट, किलो और न्यूटन में रिलेशन, ठीक है। एक किलो में होते हैं 9.81 न्यूटन। अब 1 किलो न्यूटन क्या होता है, किलो मतलब क्या होता है, यहां पे देखो 10^3। तो न्यूटन में 10^3 लगा दो तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन 10^3। ओके, तो कभी बोल सकता है मेगा न्यूटन यानी एम लिख देगा, कभी बोलेगा गीगा न्यूटन यानी जी लिख देगा, तेरा न्यूटन यानी टी लिख देगा। तो आपको इसमें से ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर बता पाएंगे 10^3 आएगी कि 10^6 या 10^9 आएगी। ओके, अब एक और यूनिट है वेट को मेजर करने की, पाउंड। 1 पाउंड में होते हैं 453.59 ग्राम। बाकी सारी यूनिट हमने इसके वीडियो वाले 1 में डिस्कस कर ली थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, तो वहां से वो वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं हम प्रेशर को मेजर करने की यूनिट। प्रेशर को मेजर करते हैं पास्कल से। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन 1 मेगा पास्कल क्या होता है, मेगा मतलब क्या हो गया, 10^6 या यहां पर लिख के बताया मैंने। तो 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर इसे हम बोलते हैं 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू, एक और चीज होती है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये थे बेसिक से यूनिट कन्वर्जन। तो कैसी लगी मेरी शॉर्ट वीडियो यूनिट कन्वर्जन पर? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।